चार पेड़, तो वहाँ पे तो हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है। अकेले तो मेरा नाम है कैनेट पटेल, आप देखे मेरा न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं रायगढ़, और थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। तो हम लोग रिक्शा से जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग चिकन बनाने वाले हैं, और चिकन मेरीनेट हम लोग रात को ही कर लिया था। और हम लोग कौन कौन लोग जा रहे हैं वो भी आपको मिलाता हूँ, हम लोग कैसे जाएंगे वो भी आपको दिखाता हूँ, और वहाँ पे चिकन कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाता हूँ, और रायगढ़ कैसा है वो भी आपको एक्सप्लोर कराऊँगा। तो चलो हम लोग अभी निकलते हैं। हम लोग जहाँ पे लोकेशन पे जा रहे हैं ना, लोकेशन इसने बताया, अभी कैसे होगा तो मालूम नहीं। ये रही हमारी रिक्शा, अभी रिक्शा में तो हम लोग 6 लोग हैं, और रिक्शा का ऑनर ये है। अरे बाप रे बाप रे, लाइसेंस है क्या? नहीं है। नहीं है हमारे साथ, ये भी आने वाला था लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। रिक्शा में बाय गाइस, हम जा रहे हैं। ये है हमारा चीना जी। हम लोग आए हैं बेकरी में पाव लेने के लिए, यहाँ से पाव लेंगे हम लोग और इसको खिलाएंगे पाव। तो यहीं से तो हमको पाव नहीं मिला। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके अनावल, हमारी गाड़ी में भर रहा है तेल, और सब लोग देखने के लिए आ गए। वो देखो वो पागल, ये पानी ले लिया, ये है चिकन, और ये प्लेट ये बिछाने के लिए, और इसमें थोड़ा सब्जी वगैरह है। तो ये रही हमारी आज की सवारी। अभी पाँव ले रहे हैं। ये रही हमारी गाड़ी, और अनावल से हम लोग नया रूट लेंगे, तो हम लोग वहाँ से जाएंगे। तो चलो, तो ये रहा पाँव ले लिया, और हम लोग जा रहे हैं अभी। यहाँ से 3 किलोमीटर है। ऐसे छोटे छोटे रास्ते बहुत दिक्कत होती है यार। ये पागल क्या कर रहा है, ये देखो ये पागल क्या कर रहा है। रास्ता मिल चुका है, कोई 7-8 किलोमीटर घूमने के बाद। यहाँ से होना है 2 किलोमीटर। तो अभी हम लोग उन्हें आ चुके हैं, और यहाँ से हमें थोड़ा कुछ सामान लेना है। तो ये केके बेकरी में से सामान भी ले लिया है, और वहाँ आगे खड़ी हुई है हमारी गाड़ी। तो ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं अकेले 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 अकेले। मेरे लिए भी है। तो अभी हम लोग उन्हें क्रॉस कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक है।
भी नहीं है, पीयूसी भी नहीं है और इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। देखिए हम लोग चेक पोस्ट क्लियर कर चुके हैं, यहाँ से लेना है हमें राइट जो कि पदम डुंगरी वाला रास्ता है। पदम डुंगरी से हमें 7 या 8 किलोमीटर जाना है आगे। तो बहुत ही मजा आ रहा है हम लोगों को यहाँ पे, यहाँ पे सब लोग वीडियो और फोटो ले रहे हैं। यहाँ से पदम डुंगरी 7 या 8 किलोमीटर ही बाकी है और हम लोग लास्ट टाइम जो खाना बनाने था ना वो यहाँ से राइट में है। पदम डुंगरी इको टूरिज्म पे ये चेक करें, हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे गए थे। हमें जाना है यहाँ से सीधा रायगढ़ के लिए, यहाँ से शायद 10 या 8 किलोमीटर है रायगढ़। यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट में, पदम डुंगरी से आगे हमने लेफ्ट लिया है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रायगढ़। रायगढ़ यहाँ से 10 या 8 या 10 किलोमीटर है, वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को। और ये दो पीछे बैठे, ये रहा आर्यन, ये रहा केरन, और इसको तो आप जानते ही हो केवल, और ये रहा पागल हमारा हर्षिल, और ये है हमारे साथ मीत, हमारा जो रिक्शा का ऑनर है ये यही है, और ड्राइवर भी यही है, और ये रिक्शा भी बहुत ही अच्छी चला रहा है, बहुत ही अच्छी, लेकिन हेलमेट नहीं पहना ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के दिन तो हम लोग चला लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम बोलेंगे कि हेलमेट पहन के आई है बिना लाइसेंस के। और हाँ, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है और पीयूसी भी नहीं है। ये देखो सामने कितना बड़ा पहाड़ है, और ये देखो छोटी छोटी बच्चियां स्कूल से जा रही है घर। रायगढ़ पे आ चुके हैं और ये कहाँ पे लगाना है ना वो देख रहे हैं रास्ता, और ये जो पागल है हमारे साथ ये कैसी लोकेशन बुला है इसको भी मालूम है, अभी देख चलते हैं। चलिए हम लोग रायगढ़ में आ चुके हैं और ये रही लोकेशन, ऊपर देखो आप कितने मस्त मस्त पेड़ है, लेकिन पेड़ पे पत्ते ही नहीं है, थोड़ी बहुत धूप तो लगे ही, लेकिन कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे सब लोग पानी पी रहे हैं, हमारी मर्सिडीज की डिक्की खोल के पानी पी रहे हैं सब लोग। तो जो मर्सिडीज का मालिक है ये रहा हमारा मीत, कितने मिली ये मर्सिडीज? 2 लाख 2 लाख 2 लाख में मर्सिडीज ली है, और जो एयर कंडीशन है बहुत ही बढ़िया है इसका, और सनरूफ भी बहुत ही मस्त है। तो कहाँ से मॉडिफाई करवाया ये थोड़ी डिटेल देंगे हम लोग आपको। मॉडिफाई किया था वापी में, हाँ जी, तो लेके आए बस इतना ही, हुड वुड सब कुछ चेंज किया ऐसा। और जो आप रैप कराने वाले थे वो कैसा रैप करा वो थोड़ा बताइए। अभी तो एक दो दिन के बाद
प्रोसेस चालू करने वाले जी, लेकिन पता नहीं। लेकिन आप मुझे लगा कि कुछ वैनिटी जैसा बनाने वाला है मर्सिडीज को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है चलो, हम लोग लोकेशन चेक करें कि कहाँ पे हम लोग चिकन और राइस बनाए। और ये देखो, ये पागल हमको लोकेशन पे लाया तो है, लेकिन धूप ही धूप है, लेकिन थोड़ी बहुत हवा चल रही है। हवा बहुत ही अच्छी है, पर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो छोटा सा पेड़, ये पूरी रिवर ही है और ये बीच में छोटा सा पेड़, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो हम लोग अभी रिवर के बीच में है और ये रहा मैं आपको दिखाया था ना, वो ये रहा पेड़, ये देखो ये रहा पानी। यहाँ पे देखो कोई पेड़ ही नहीं है, ये बीच में ही पेड़ है। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे छाव थोड़ी होगी, तो हम लोग वहाँ पे खाना वाना बना सकते हैं। तो सब लोग ये लोकेशन जहाँ पे खाना बना है वो ढूंढ रहे हैं, तो मैंने बोला है कि यहाँ पे एक बार चेक करें, तो देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। जो मैं पेड़ की बात कर रहा था ये पेड़ है, यहाँ पे ज़्यादा छाव भी नहीं, इतना ही है। तो यहाँ पे तो हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हम लोग 6-7 लोग हैं और 2-3 लोग तो आ रहे हैं। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं हमारी मर्सिडीज़ के पास, वहाँ से हम लोग उठा के वहाँ पे जो दिख रहा है ना यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि ये सब पेड़ है लेकिन पत्ते वत्ते भी नहीं है और वहाँ पे थोड़ी धूल मिट्टी ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ पे तो नहीं बनाएंगे। तो वहाँ पे तो हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है और ज़्यादा पत्थर भी ज़्यादा है। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से हमारी गाड़ी लेंगे और वहाँ पे एक दो पेड़ देखे हैं वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे खाना। और भूख भी बहुत लगी है क्योंकि ये पागल की वजह से हर बार दिक्कत ही होती ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी चलो आए हैं तो ये भी मज़ा ही करेंगे, ये भी एक्सपीरियंस लेंगे। आज नया एक्सपीरियंस लिया है हमने क्योंकि कितने सालों के बाद हम लोग ये रिक्शा में बैठ के इतनी दूर आए हैं। हम लोग जब स्कूल में जाते थे तब हम लोग रिक्शा में जाते थे। तो चलो लोग, तो चलो अभी हम लोग फिर से निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग ये नई लोकेशन पे आए हैं, यहाँ पे देखेंगे ये पेड़ भी अच्छे हैं, ये देखेंगे यहाँ बनाएंगे या यहाँ बनाएंगे। तो जो अच्छी लोकेशन मिलेगी वहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो देखते हैं। अभी हम लोग ने ये लोकेशन फिक्स की है, यहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे और सब गांव वाले यहाँ पे मच्छी पकड़े तो उनसे परमिशन लेंगे कि यहाँ पे खाना बनाए कि नहीं बनाए पहले, तो क्योंकि ये लोग का गाँव है। तो अभी देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग परमिशन तो ले लेंगे, क्या बोलते हैं वो लोग देख के आते हैं। और मैं और ये जा रहे के लिए कि यहाँ पे खाना बनाए कि नहीं बनाए। ओ भाई यहाँ मैं खाओ ने बनाया था कहीं नहीं ने कही ने पहले पूछ ही ले बनाए कहीं नहीं ने वांधो नहीं ना भाई। हाँ वांधो नहीं ने हारू चलो है आभार। तो उन लोगों ने परमिशन दे दिया हमें बनाने के लिए। तो वहाँ पे सब लोग सब्जी कटिंग कर रहे हैं, हम लोग पत्थर और लकड़ी लेने के लिए आए, तो क्योंकि पत्थर वहाँ पे जो चूल्हा बनाएंगे ना तो उसके लिए काम आएंगे। तो यहाँ पे पत्थर है ऐसे, तो वो ले लेंगे हम लोग। तो अभी चलो कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ और ये वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमारा लकड़ियाँ कैसे लेके जा रहा है और कितनी ली है वो देखो।
पेट तो आ रहा है ना, वो देखा हाँ डायबिटीज तो खरी गिर पानी तो चाल है चलो कल्ला खाने से अब जाओ। अभी हमारा खाना रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे चिकन कैसे बना हुआ है। और मेरे साथ में आज ये बनाने वाला मेरी हेल्प करने के लिए ये था आज, तो ये रहा हमारा चिकन। और ये रहा हमारा राइस, राइस भी रेडी है, 10 मिनट में दोनों रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे कटिंग चल रहा है, ये देखो देसी पिज़्ज़ा सॉरी देसी बर्गर जो हम लोग राजस्थान गए थे तभी गोभी वाला खाया था, और आज कचुम्बर वाला दही और प्याज और टमाटर। और ये देखो तो अभी हम लोग प्याज वाला पाव खा रहे हैं, सब लोग वही खा रहे हैं। हेलो मेरे इसके सिवा हमने खाना खा लिया है और सब बर्तन वर्तन साफ करें यहाँ पे। तो फाइनली हमारा सब कुछ पैकअप हो चुका है, हम लोग निकल रहे हैं, हमारी मर्सिडीज भी रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ये रही हमारी मर्सिडीज और हम लोग पानी पीने रुके हैं। हम लोग उन्हें ही पहुँच चुके हैं और जो पदम नदी वाला चेक पोस्ट था वो भी क्रॉस कर लिया हमने। फाइनली हम लोग रान को आ चुके हैं, ये नहीं आ सका, ये भाई आने वाला था लेकिन नहीं आ सका, तो दूसरी बार लेके जाएंगे हम लोग। इसमें ऐसी बात है, मेरा आना बहुत जरूरी था।